राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो क्या हम लोग जब शाम में रात के घूम कर आए, उसके बाद यह आंधी या तूफान आया है और बारिश आया है कि आप लोग के साथ बता नहीं सकती। इतना तेज कि बच्चे बड़े सब उड़ी आ जाए, इतना तेज हवा लग रहा था पूरा घर उड़, कितना तो टेंट शमियाना उड़ गया होगा कल सरस्वती पूजा का। तो पूरा पता पता भर गया था, पूरा गंदा हो गया था, गलरी सीढ़ी पूरा। तो आज गुरुवार भी है तो पूरा साफ सुथरा की साफ सुथरा करके कपड़ा उपड़ा धोकर और स्नान उस्नान हो गया है, और बस स्नान ही हुआ है और कुछ नहीं भी की हूँ। तो चलिए फटाफट से करती हूँ पहले पूजा, उसके बाद आप लोग से करूँगी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं आज सुबह 4 बजे ही जग गई थी। 4 बजे उठ के इनके लिए नाश्ता पानी बनाई और उसके बाद फिर मैं सो गई, इनका नाश्ता वास्ता पैक करके सो गई। तो फिर उठी तो मैं अभी उठी हूँ, तो सारा काम वाम करके नहाई हूँ। तो चलिए फिर आप लोग से बातें करते हैं। लग का आज है छुट्टी। अभी तुरंत 2 सेकंड पहले बारिश होने लगा और अच्छे खासे बारिश हो गया है। देखिए दिखा, बारिश भी हो गया और फिर तुरंत धूप भी निकल गया है, एकदम हल्का के धूप निकल गया। और ऐसा लग रहा था कि फिर रात जैसा ही बारिश होगा, पूरा पूरा गमला में पानी भरा भरा है, बेड बेड सब लगा। तो यह मेरा भगवान जी का पूजा पाठ भी हो गया, तो भोग वोग भी लगा के मैं उतार ली। यहाँ देखिए इन लोग का भोग पानी भी हो गया, तो सारा पूजा पाठ हो गया है, तैयार है। तो पूजा पाठ कब का हो गया और साथ साथ मेरा और बाबू का नाश्ता पानी भी हो गया, और दूध भरा भी अभी आ गया, तो दूध भी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, नहीं हो रहा। और इसको सुबह खोल के मैं धागा पानी, और इधर जो भी कपड़ा था थोड़ा बहुत, बस जो साड़ी उड़ी पहने थे उसको धो दी, और इधर ज़्यादा कपड़ा नहीं था, बस थोड़ा सा कपड़ा था। बाबू का जींस था और तौली था, इनका पैंट था। और सुबह भी तेज आया, बारिश बहुत तेज अंधेरा कर दिया था, लेकिन फिर सही। लव अभी कर रहा है पढ़ाई, और मेरा पूरा बेड उड सब सही मैं कर दी थी। ये तो थोड़ा सा हो ही जाता है, इधर से नहीं, इधर से, इधर से नहीं, इधर से ऐसे पता नहीं क्यों हो जाता है, तो हल्का सा ऐसे बाबू चढ़ता उड़ता है। तो लगा दिए हैं चार्ज में, क्योंकि चार्ज नहीं था, और उसका मैं ही ख़त्म कर देती हूँ बैटरी। रेडियो पे इतना अच्छा अच्छा गाना आता है, तो मैंने क्या टांग दिया ला के, तो रेडियो पे बहुत अच्छा अच्छा गाना आता है, तो मैं सुन सुन के उसको बैटरी डिस्चार्ज कर देती हूँ। तो आज मैं पहनी हुई ये वाला सूट जो कि बहुत लॉन्ग है, और मैं पूजा की तो टिक्का थोड़ा सा बड़ा लग जाता है, और सिंदूर भी लगाई थी तो पीला वाला। तो पूजा वूजा भी की हूँ तो अभी तक देखिए दिया हुआ जल ही रहा है। और सुबह ही मैं 4 बजे उठी थी तो इनके लिए सब्जी उब्जी और पनीर उनीर नाश्ता बनाने के लिए, तो उठी तो उसी समय मैं झाड़ू उड़ू भी कर ली थी, झाड़ू जितना फिर बर्तन वर्तन। तो मैं भी पानी उनी पी के और नाश्ता पानी बाबू करेला के बाद मैं भी कर ली। और आज बनाई थी मिक्स करके और मटर वोटर डाल दी है, तो बहुत टेस्टी आज भी बना है। तो आज भी मैं मिक्स वही सब्जी बनाई हूँ सूखा वाला, तो बहुत टेस्टी लगता है। या तो चावल पे खाइए, रोटी पराठा में खाइएगा तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं तो फ़िलहाल रोटी बनाई थी, क्योंकि इनको पूरी और पराठा आजकल बहुत कम खाना कर दिए हैं, मतलब नहीं खाना चाहते हैं, तो मैं रोटी ही बनाई थी, तो अपने लिए भी रोटी ही बनाई थी। और बाबू का भी या तो पूरी मांगता है या तो रोटी मांगता है, तो इसलिए रोटी ही मैं एक साथ ही बना दी। और सब कुछ हो गया तो बर्तन वर्तन मैं सुबह में ही धो दी थी, तो उठी तो जो भी काम था, जो अंधड़ पानी आया था, तो सब साफ़ सुथरा करके और उसके बाद फिर मैं फटाफट से करने लगी अपना काम। तो काम करके नहा धो के पूजा पाठ भी हो गया, नाश्ता पानी भी हो गया, और अब खाना दोपहर में देखते हैं क्या बनता है। ये बोल रहे हैं अभी नहीं आएंगे, ये शाम के ही आएंगे, तो इसलिए चावल भी एक्स्ट्रा इनके लिए नहीं बनाऊंगी, तो सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी। तो देखती हूँ सब्जी, और वो तो रखा हुआ ही है क्योंकि ज़्यादा ही बन गया है। और सोच रहे हैं आज गुरुवार है तो कढ़ी बनाऊँ, तो देखते हैं, तो कढ़ी बना लेंगे, कढ़ी और चावल तो अच्छा हो जाएगा। तो बहुत काफ़ी समय से मैं कढ़ी बनाई भी नहीं हूँ, तो कढ़ी बनाऊंगी। और यही सब खाना पीना लगा रहता है, साथ साथ थोड़ा सा काम है। देखिए धूप कैसा निकलता है, धूप हल्का सा एकदम बिल्कुल।
यहाँ पे देखते हैं धूप कैसा निकलता है, तो थोड़ा कपड़ा है उसको भी डाल दूंगी। और मैं आगे एक ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं कल हम लोग सरस्वती माता घूमने गए थे, देखने गए थे, तो वहाँ का। और वहाँ गए थी तो मैं देवी मंदिर में आरती हो रहा था, तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ ठहरे थे, आरती मंगल हो रहा था, तो प्रसाद उरसाद लेके और वहाँ से फिर आए। और उसके बाद आंधी तूफान आ गया था, तो घर पे आए थे तो देखिए क्या सामान तैयार करके रखे थे मेरे हस्बैंड जी, तो दिखाते हैं आप लोग के। तैयार रखा नाश्ता पानी हम लोग का, मेरे हस्बैंड जी पूरा एकदम बना के रखे हैं ये, तो मैं सिर्फ परोस रही हूँ जल्दी फटाफट से, उनको भूख लगा हुआ है तो इसलिए ये देखिए क्या बना के रखे हैं, तो चलिए फटाफट खा। अपना लेके भाग रहे हैं, मेरा में चम्मच नहीं डाले हैं ये देखिए। और हम सब मिलके एकदम मटेरियल वाला चूड़ा खाने, कैसा बनाए हैं आप खुद? दीदी तैयार हो गए हैं, जीट फिट हो गए हैं एकदम सरस्वती माता से दर्शन करने के लिए, हमें बीच में आ जाते हैं। यह देखिए, ये देखिए। हेलो हाय भाई। तो ये सब तैयार हो गए हैं, सब मेकअप करके तैयार हैं, लिपस्टिक लगा ली है, बोल रही है चलिए देवी मंदिर में आरती हो रहा है। कहाँ घूमने आया है? कहाँ घूमने आया बेटा? देवी मंदिर। जय जय कर दो, जय जय जय। हाँ हम लोग मंदिर से घर जा रहे हैं, थोड़ा सा तैयार, थोड़ा बाल उल बना लिए हैं और हल्का सा लगा है। धूप निकला है लेकिन थोड़ा हवा भी चल रहा है, तो मैं खाना वाना भी कुछ भी नहीं बनाई हूँ और बस ऐसे ही। तो फिलहाल काम भी कुछ नहीं है और मेरा जो बाकी था फॉल करना वो मैं फॉल भी कर ली, और जो मैं साड़ी वो ली हूँ उसको तो खोल के आप लोग को साथ दिखाती हूँ, कैसा लग रहा है जो कमेंट करके बताइएगा। तो ये साड़ी है जो कि मैं आप लोग के साथ दिखाने वाली थी, तो फॉल कर दी मैं, देखी
तो दिखाती हूँ पूरा खोल के। तो अभी पहनी नहीं हूँ लेकिन पहनूंगी, तो कल नहीं पहनी सरस्वती पूजा में। तो इसका पूरा लुक ऐसे है, देखिए पूरा में ये है और नीचे साइड में ऐसे कोरी एकदम हल्का सा ऐसे बॉर्डर एकदम बिल्कुल पतला, तो ऐसे है। तो देखिए और ब्लाउज 2x2 वाला आराम से सिलवा लीजिए, कोई भी कलर इस पर चल सकता है। देखिए और कपड़ा प्योर जॉर्जेट है तो बहुत मस्त लगा। और नीचे में ऐसे डिजाइन भी दिया हुआ है, ये पूरा में है, देखिए देखिए पूरा में है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ से जो पट्टी होता है जो यहाँ से भी दिया हुआ है, तो ये देखिए। तो कैसा लगा जो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फाइनली ये साड़ी का लुक है पूरा, ये आंचल आएगा और पूरा में ऐसा ही है, तो बहुत सुंदर लग रहा है और खोला पे बहुत सुंदर और ज़्यादा लग रहा है। तो कपड़ा बहुत अच्छा है, तो इसको पहनूंगी तो कुछ अलग ही, मतलब कुछ देखते हैं तो पारा में ही पहनूंगी क्योंकि अंदीना क्या भाड़िएगा नया पहन के, तो इसलिए चलो कुछ भी पहनते हैं, पूजा पाठ कुछ भी देखते हैं। शिवरात्रि आ रहा है, बहुत सारा अभी व्रत है तो उसमें भी पहन सकते हैं। तो फाइनली इसका फॉल मैं कर दी और करके शिवरात्रि क्या होता है, शंकर भगवान का व्रत होता है, फास्टिंग। तो ये साड़ी देखिए तो बहुत सुंदर लग रहा है खुला पे, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और वही ली थी और सेम दो, तो बहुत सुंदर लग रहा है खुला पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम हो गया और बाहर धूप तेज नहीं है, हल्का धूप है लेकिन हवा भी चल रहा है। और मुझे थोड़ा सा सिलाई करना है, कुछ काट छट के बनाना है, जैसे उसको कटिंग करके और तकिया के कवर उवर बना दूँगी। तो देखती, तो यहाँ पे खाने जा रहे हैं थोड़ा अनार और केला और अंगूर, थोड़ा खा लेते हैं फिर देखिए, फिर फटाफट से खाना बनाऊंगी। तो मैं थोड़ा देर थोड़ा फल फूल सेवन और थोड़ा एनर्जी भी आ गया, ताकत भी आ गया, तो बहुत ही हवा चल रहा है और बस सब बढ़िया। तो मैं चावल रख दी हूँ, सिर्फ चावल बनाना था तो चावल गैस पर रख दी। यहाँ देखिए ड्यूटी से नहीं आए हैं तो मैं बना रही हूँ थोड़ा सा खाना, और चावल रख दी हूँ गैस पे बनने के लिए, और यहाँ पे एक मैं कांड भी करके रख दी हूँ। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि क्या की हूँ, जो ये यहाँ पे कितना बड़ा कांड मैं कर दी, कांड हो गया। देखिए दिखाती हूँ, ये देखिए क्या हुआ, ये कुर्सी टूट के तो फटा हो गया। इसको बोले थे कि बहुत मजबूत होगा लेकिन देखिए क्या हाल हुआ इसका, तो फिलहाल तो इसको ऐसे ही रखे हैं। तो यहाँ थोड़ा बाल उल बना लेते हैं और उसके बाद हवा भी चल रहा है तो मैं बस यही सब चल रहा है, और थोड़ा बाल बाल भी बना ली और चल थोड़ा सा मैं चल गई थी नेहा के यहाँ, तो बैठ गई थोड़ा सा फ़ोटो वोटो देखने लगी, बातें करने तो फ़ोटो वोटो थोड़ा देखे तो बैठे तो टाइम निकल गया। तो फिर आई हूँ तो चावल रखी हूँ गैस पे, तो चावल हो गया। तो चलिए सब कपड़ा उपड़ा सूख गया है लेकिन और जो ना भी सूखा है तो हटा रही हूँ क्योंकि बारिश आ रहा है। आप लोग को मौसम दिखाती हूँ, तो देखिए एकदम पूरा अंधेरा किया है मौसम, देखिए बारिश आ रहा है पूरा जोर से, तो इसलिए कपड़ा हटा देते हैं ना, तो जो भी ये सूखा हुआ है वो भी भीग जाएगा। तो फटाफट से हटा देते हैं सारा कपड़ा, जो कम से कम पानी तो गिर गया है ना, तो पूरा के पूरा फिर वही होगा, सारा तिज जाएगा। तो सब हटा देते हैं, उसके बाद रख देते हैं एक जगह, और जो ज़्यादा गीला है उसको रूम में ही फैलाते हैं बाबू चढ़ के,
और मैं अभी फटाफट से कपड़ा हटा देती हूँ, जो गीला है उसको गर्म में फैला देती हूँ। ये वीडियो करती हूँ आज यहीं पे एंड। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। क्योंकि थोड़ा बहुत शोर शराबा आता है, आवाज़ आता है बहुत तेज, मतलब गाड़ी चलते रहता है हमेशा। और ऊपर से उधर मंदिर में मैं गाना वाना भी लगा हुआ है, इसलिए। तो चलिए आज वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ।